तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरर्स ऑफ द डीप इंग्लिश क्लास फिफ्थ लेसन सेवन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन 1934 चार्ल्स विलियम्स बीबी प्रोनाउंस्ड बीबी नॉट बीब एंड ओटिस बार्टन रिस्ट डीपर इनटू द ओशियन देन एनीवन बिफोर देम। यानी 1934 की बात है, चार्ल्स विलियम्स जिनको बीबी के नाम से बुलाया जाता है और उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था ओटिस बार्टन, वो दोनों समुद्र की गहराइयों में पहुँचे। जहाँ पर इतनी गहराई थी उस समुद्र में, उस गहराइयों तक पहुँचते हैं जहाँ पर कभी इंसान उतनी गहराइयों तक नहीं पहुँचे थे। बीबी वाज ए नेचुरलिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट एंड एनिमल्स। जो बीबी थे वो एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो प्लांट और एनिमल के बारे में खोज करे। ही बिकम इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फिश, और वो मछलियों के बारे में स्टडी करना काफ़ी उनको पसंद था। इथियोलॉजी उसका बोला जाता है। इन द 1920s ही यूज्ड नेट्स टू हाउल अप एनिमल्स दैट लिव डीप अंडर वाटर। यानी वो नेट्स यानी वो जाल का इस्तेमाल करते थे समुद्रों में मछलियों को पकड़ने के लिए, ताकि उस पर वो रिसर्च कर सके। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम वुड डाई बिफोर दे कुड बी ब्रॉट टू द सरफेस। यानी ऐसी मछलियाँ होती थी जो कि जाल में जब फंस जाती थी तो उनको बाहर निकाला जाता था, तब तक वो ऊपर आते आते उनको काफ़ी समय लग जाता था इससे पहले कि वो नीचे ही समुद्र में ही मर जाती थी। सो बीबी डिसाइडेड टू गो हेलमेट डाइविंग। इसीलिए जो बीबी थे यानी चार्ल्स विलियम थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हेलमेट डाइविंग पर जाऊंगा। हेलमेट डाइविंग का मतलब कि हेलमेट का यूज करके वो समुद्र में नीचे जाना चाहते थे। द हेलमेट बीबी यूज्ड फॉर हाई डाइव्स वुड सील हिज हेड फ्रॉम वाटर एंड अलाउ हिम टू सी क्लियरली अंडर वाटर। यानी एक तरह का एक ऐसा हेलमेट होता था जिस पे शीशा लगा होता था, वो आसानी से समुद्र के नीचे देख सकते थे। टू पाइप्स अटैच्ड टू द हेलमेट वुड हेल्प हिम ब्रेथ इन एंड आउट। और उसमें दो पाइप लगे होते थे जिसकी सहायता से वो आसानी से सांस ले सकते थे। हाउ ईवर, जबकि द फर्दरेस्ट एनी वन कुड सेफली गो डाउन वियरिंग सच ए हेलमेट वॉज अ फ्यू हंड्रेड फीट्स। लेकिन ये सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि अगर उस हेलमेट डाइविंग पर वो जाते तो कुछ ही मीटर्स कुछ ही फीट्स नीचे वो जा पाते। बीबी वांटेड टू गो मच डीपर एंड स्टडी द एनिमल्स अलाइव इन देयर ओन सराउंडिंग्स। जो बीबी यानी चार्ल्स विलियम थे वो समुद्र के काफ़ी नीचे जाना चाहते थे ताकि वो अच्छे से प्लांट्स और एनिमल के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए वो चाहते थे कि मैं एक ऐसा चीज़ बनाऊं जिससे कि समुद्र के काफ़ी गहराइयों तक जाके मैं नीचे का जो फिश वगैरह हैं या प्लांट्स हैं उनके बारे में पता लगाऊं। देन क्या होता है, दिस वाज नॉट पॉसिबल यूजिंग सबमरीन शिप्स दैट कैन ट्रेवल अंडर वाटर। यानी ये जो चीज़ें थी सबमरीन के द्वारा पॉसिबल नहीं थी कि वो ज़्यादा गहराइयों तक समुद्र में जा सके। एज जैसे ही दे हैड नो विंडोज इन दोज डेज। उस समय क्या होता था कि जो मैरिन्स होती थी, सब मैरिन्स यानी जो शिप्स होते थे उसमें विंडोज नहीं होते थे। ये हैं चार्ल्स बीबी। बीबी वांटेड टू वेसल दैट कुड अलाउ हिम टू एक्सप्लोर द डीप ओशंस। यानी बीबी एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे ताकि वो अच्छे से काफ़ी गहराइयों में समुद्र के जा सके, ताकि वो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में कुछ खोज कर सके। ओटिस बार्टन, अ वेल्दी यंग इंजीनियर, हैड डन सम हेलमेट टाइप्स एंड लाइक बीबी ही वॉन्टेड टू गो डीपर अंडर वाटर। अब इसके बाद से एक ओटिस बार्टन नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो एक इंजीनियर होते हैं और वो भी हेलमेट डाइविंग्स कई बार कर चुके थे और वो भी समुद्रों की गहराइयों में जाकर कुछ पता लगाना चाहते थे। ही डिजाइंड ए स्फेरिकल वेसल्स दैट ही फेल्ट वुड बी एबल टू बियर द ह्यूज प्रेशर ऑफ द ओशियन वाटर एट द ग्रेट डेप्थ। इसके बाद से वो एक जो इंजीनियर थे वो एक ऐसा स्फेरिकल वेसल बनाते हैं, यानी गोल गोल में एक ऐसी मशीन बनाते हैं कि वो उसके उसी में बैठ कर क्या कर सके, काफ़ी गहराइयों तक जा सके और
वो जो स्पेरिकल जो बना रहता था जो मशीन है वो जो पानी की प्रेशर है वो सह सके। तो इस तरह का वो एक डाइविंग हेलमेट तैयार करते हैं अपने खुद से। बीबी कॉल्ड द वेसल अ बाथिस्पियर फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स बाथस डीप एंड स्फियरस मीन्स स्फियर। इसके बाद से वो जो मशीन बनाते हैं उसका नाम देते हैं बाथिस्फियर, जिनको ग्रीक वर्ड में बाथस का मतलब डीप होता है और स्फीयर का मतलब होता है स्फीयर, यानी गहराइयों में, जो स्फीयर का मतलब होता है गोल या सर्कल। ठीक है। बीबी एंड बॉटन डिसाइडेड दैट द डाइव्स वुड टेक प्लेस ऑफ नॉन सच आइसलैंड बरमूडा इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। यानी जो बीबी होती हैं और जो उनके दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग कहाँ पर डाइविंग करेंगे, एक आइसलैंड में बरमूडा में जो है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। इसके बाद से क्या होता है, देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस अहेड फॉर द टू। इन दोनों के लिए काफ़ी ढेर सारी या बहुत ही बड़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि इससे पहले कोई भी इंसान उस समुद्र की गहराइयों में नहीं गया रहता है, इसीलिए ये काफ़ी बड़ी चैलेंज होती है इन दोनों के लिए। द बाथस्फियर वॉज टू हैवी टू बी कैरिड ऑन अ बार्ज और लार्ज बोट। यानी जो बाथस्फियर जो मशीन होता है जिसका यूज करके वो समुद्र में जाने वाले होते हैं वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी भारी होती है, इसलिए उसको ले जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। सो इट हैड टू बी मेल्टेड डाउन टू बिल्ड अ न्यू लाइटर वेसल्स ऑफ द सेम काइंड। इसीलिए उसको फिर से पिघला दिया गया और उससे हल्का जो बाथस्पियर था बनाने का प्रयास किया गया। बिफोर द एक्सपीडिशंस ट्रायल्स वर हेल्ड इन विच द एम्प्टी बाथस्फीयर वॉज लोअर इन टू द ओशियन यूजिंग। यानी इन दोनों को समुद्र में जाने से पहले उस मशीन जो बना हुआ था बाथस्फीयर उसको टेस्ट किया गया, वैसे खाली ही समुद्र में उसको भेजा गया नीचे यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग केबल। यानी एक केबल के सहायता से वो लोग क्या करते हैं, जो बाथस्फीयर होता है उसको नीचे समुद्र में डालते हैं। एन इलेक्ट्रिक केबल एंड द टेलीफोन वायर इन थिक रबर होज वर आल्सो कनेक्टेड टू द बाथस्फीयर। यानी जो गोल का जो बना होता है ना उसको क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक केबल उसमें कनेक्ट किया जाता है और एक टेलीफोन वायर भी उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जितनी भी चीज़ें नीचे हों उनको आसानी से देख सकें। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाथस्फीयर किस तरह दिखता है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देख रही है, ये है पूरी तरह से बाथस्फीयर और यहाँ पर ये केबल लगी हुई है और यहाँ पर क्या है, इसको एक तार यानी वायर के थ्रू पानी में डुबाया जा रहा है या इसको ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है बाथस्फीयर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सो आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। वंस द प्रेशर ऑफ द वाटर पुश्ड इन अ लॉट ऑफ द होज इन टू द बाथस्फियर, इमेजिन हाउ दिस वुड हैव एक्टेड अफेक्टेड द टू मैन हैड दे बीन इन द वैसल। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें काफ़ी ढेर सारे प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और जो वाटर होता है वो पुश्ड करता है उस होज में। अगर आप सोचिए, अगर उसमें दोनों इंसान बैठे होते हैं तो उसी समय उनकी जान जा सकती थी। दे वुड हैव सीन स्ट्रैंगल्ड बिकॉज देर वॉज सो लिटिल स्पेस। यानी वो जो बाथस्फीयर था वो काफ़ी छोटा था, उसमें काफ़ी कम स्पेस थे, जिससे कि उन दोनों को उसमें बैठने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अनदर टाइम, दूसरी बार क्या हुआ, अ लीक स्प्रैंग ऑन द साइड ऑफ अ विंडो व्हेन द बाथस्फीयर वॉज पुल्ड आउट इट वॉज फाउंड टू बी मच हैवियर वाटर हैड इंटर्ड इट। इसके बाद दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बार जब उसको पानी में यानी समुद्र में ले जाया गया तो उसमें क्या था, थोड़ा सा लीक कर दिया, जिसकी वजह से उसमें ढेर सारे पानी घुस जाते हैं और जो बाथिस्पियर होता है वो पूरी तरह से भारी हो जाता है। एज द डोर बिगेन टू बी ओपेंड अ थीन स्ट्रीम शॉट आउट देन द डोर फ्लू ऑफ एंड वाटर गस्ट आउट विद द ग्रेट फोर्स। इसके पास जैसे ही उस बाथिस्फीयर को खोला जाता है तो हाई प्रेशर के साथ जिसमें उसमें पानी रहता है ना, तो पानी हाई प्रेशर के साथ बाहर आता है। इफ एनी वन हैड बीन स्टैंडिंग इन इट्स वे दे वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। अगर
जब पानी उसको जहां से लीक कर रहा था, ठीक है, यानी जहां से उसको निकाला जा रहा था, अगर उसके सामने कोई इंसान खड़ा हो जाता तो वो वहां पर सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाता। सो अ स्टील प्लग रिप्लेस द विंडो, इसलिए उस विंडो की जगह एक प्लग लगाया गया स्टील का, ताकि वो और मजबूत हो सके। ग्रेजुअली अ ब्रेव ड्यूओ बिगेन गोइंग डाउन इन द बाथस्फियर। ड्यूरिंग देयर डाइव्स दे वुड बी कनेक्टेड टू द बार्ज बाई फोन। इसके बाद से क्या हुआ, वो फिर से नीचे जाने की प्रयास करते हैं, और इसके बाद से इस डाइव्स में जाने के लिए उनको एक कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, फोन से, ताकि उनसे कोई भी चीज़ें हों वो हमें पता चल सके। ग्लोरिया होलिस्टर अ साइंटिस्ट, ग्लोरिया होलिस्टर क्या है, एक साइंटिस्ट थी, हु टॉक टू देम, जो कि उनसे बातें करती कि नीचे क्या हो रहा है। बीबी वुड डिस्क्राइब द क्रिएचर ही सा अंडर वाटर, जो भी चीज़ें बीबी दिख रहा था नीचे समुद्र में वो उसको बता रहा था, किसको, ग्लोरिया होलिस्टर को, जो कि वो फोन से बात कर रही थी। होलिस्टर वुड नोट डाउन एवरीथिंग, जो होलिस्टर थी वो सारे चीज़ों को नोट डाउन, यानी एक हम बोल सकते पेज में या कॉपी में लिख रही थी। आर्टिस्ट वुड मेक स्केचेस ऑफ द क्रिएचर्स सिंस कैमराज कुड नॉट टेक क्लियर एंड डिटेल पिक्चर ऑफ दोज डेज। और यह वहाँ पे क्या थे, कुछ आर्टिस्ट भी थे जो जो चीज़ें बीबी और उसके फ्रेंड बताते थे वो चीज़ें किया करते थे, जितने भी आर्टिस्ट थे वो उसको ड्रॉ करते थे क्रिएचर्स के बारे में। द आर्टिस्ट वर एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपीडिशंस। और उस समय क्या होता था कि क्लियर पिक्चर्स कैमरा से नहीं आते थे, और जो आर्टिस्ट थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस दौरान, ठीक है, ये जो हम बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस हो रही थी। देन आफ्टर क्या होता है, थ्रू द फोन बीबी एंड बार्टन कुड आल्सो टेल होलिस्टर व्हेन दे वांटेड टू बी पुल्ड बैक अप और रिमेन एट द सर्टेन डेप्थ बिफोर गोइंग टू फर्दर डाउन। इस तरह से जो दोनों दोस्त हैं बीबी और बार्टन, वो आपस में बात कर सकते थे, और जो ऊपर था, जो जहाज पे थी कौन होलिस्टर, उसको सारे चीज़ें बता सकते थे कि कब उनको ऊपर आना है कब उनको नीचे आना है। फाइनली ऑन 15 अगस्त 1934 द डुओ रीच द डेप्थ ऑफ द 3028 फीट, सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बाद से 15 अगस्त का दिन रहता है, फाइनली 1934 की बात है, जो डुओ रहता है वो पहुंच जाता है 3028 फीट नीचे समुद्र में, और उसी समय वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उस दिन एट 9 AM बीबी एंड बार्टन क्लाइव इन टू द बाथिस्फियर थ्रू अ नैरो ओपनिंग दैट सर्व्ड एज द डोर। इसके बाद से उस दिन क्या हुआ, जो बार्टन थे और जो हम बोल सकते हैं बीबी थे, वो क्या होते हैं बाथिस्फियर के ऊपर वो चढ़ जाते हैं थ्रू अ नैरो ओपनिंग, यानी छोटा सा एक नैरो ओपनिंग होता है उसके थ्रू। द डोर लीड वॉज फिटेड ऑन द बोल्ट, जो डोर था उसका वो बोल्ट का यूज करके उसको फिट किया गया था, जिस तरह से उसको बनाया गया था, ठीक है, इसके जो डोर थे यहाँ पर देख सकते हो आप, बोल्ट का यूज करके फिट किया गया है। एंड द नट्स वर टाइटनेड, और उसके जो नट थे उसको भी टाइट किया गया था। इनसाइड बीबी फिटेड द हेडफोन्स अराउंड हिज ईयर्स एंड हंग द माउथ पीस अराउंड हिज नेक। इसके बाद से क्या हुआ था कि जो बीबी था वो अपने कानों के दोनों कानों के बगल क्या कर दिया था, ईयरफोन्स लगाया हुआ था, ठीक है। बार्टन ओपन द वॉल्स ऑफ द ऑक्सीजन टैंक सो दे कुड ब्रेथ, और जो बार्टन होता था वो ओपन करता था ऑक्सीजन के वॉल्स को ताकि वे दोनों सांस ले सके। देन द बाथस्फियर वॉज जेंटली लोअर्ड इन टू द वाटर। इसके बाद से वो जो बाथस्फियर होता है धीरे धीरे समुद्र में नीचे उतारा जाता है। इसके बाद से क्या होता है देखते हैं, हियर वी गो। इसके बाद से ये सब इस तरह से समुद्र में उतारा जाता है इस बाथस्फीयर को, और इसके बाद से क्या कहते हैं सर, हाउ डीप विल बी एबल टू गो, व्हाट शैल वी सी दिस टाइम दैट नो ह्यूमन हैज बीन बिफोर। इसके बाद से दोनों जो दोस्त थे वो आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर में कितना नीचे होगा समुद्र, और क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे, और हम लोग ऐसी चीज़ें हो सकता है देखेंगे जो मानव जात कभी भी इस दुनिया में पहले नहीं देखी हुई होगी। ऑफ अबाउट 400 फीट, जब वो 400 फीट नीचे चले जाते हैं समुद्र में, देयर वॉज हार्डली एनी लाइट, वहाँ पे अब अंधेरा दिख रहा था जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ऐसे बैठे हुए थे सब। बीबी सा लार्ज कुड क्लाउड लाइक बॉडी मूविंग द डिस्टेंस बिफोर ही कुड टेल बॉटन इट हैज वेनिस्ड। इसके बाद से
जो बीबी होता है वो काफी बड़ा सा क्लाउड की यानी बादल की जैसे कोई एक चीज ही देखता है, ठीक है, जो कुछ ही दूरी पर होती है। जब तक वो अपने दोस्त को बताता तब तक वो फिनिश हो जाती है, मतलब कि वो गायब हो जाती है। इट इज़ अ लार्ज वेल, और दोनों कहते हैं कि शायद ये क्या एक इज इट अ लार्ज वेल, क्या एक बड़ी सी वेल है। इसके बाद से क्या होता है इस स्टोरी में, द डेप्थ वॉज नाउ मोर देन 1200 फीट। इसके बाद से जो गहराई होती है बाथिस्फीयर की, जब समुद्र में चले जाते हैं तो लगभग 1200 फीट नीचे चले जाते हैं। द बाथिस्फीयर वॉज सराउंडेड बाई एन इंकी ब्लैकनेस, नथिंग कुड बी सीन। इसके बाद जैसे ही वो 1200 फीट नीचे जाते हैं तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वहां पर क्या थी, ब्लैक ही ब्लैक था चारों तरफ से। बीबी आई फील एज इफ देयर इज नो लाइट इन द वर्ल्ड। इसके बाद बीबी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की लाइट भग गई है। वी आर नाउ सो डीप इन द ओशियंस दैट नो सनलाइट रीचेस हियर। और इसके बाद दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ, जो हम लोग इतनी गहराई तक आ गए हैं, जो सनलाइट है या सूर्य है उसकी भी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सडनली अचानक क्या हुआ, द बाथिस्फीयर स्टार्टेड टू रॉक वायलेंटली। इसके बाद से वो जो बाथिस्फीयर था वो इधर उधर ढूंढ हिलना या शेकिंग करना शुरू कर दिया। बॉटन वंडर्ड, जो बॉटन था वो चौंक गया। व्हाट कुड बी हैविंग सच एन इफेक्ट, ये किस तरह का इफेक्ट था हमारे बाथिस्फीयर में। इसके बाद ये कांटेक्ट करता है, ग्लोरिया कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो ग्लोरिया, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है नीचे। इसके बाद ये कहती है, इट वॉज अ बिग वेव, ये एक तरह का वेव था, आर यू टू ओके, क्या तुम दोनों सही हो। ग्लोरिया हॉलिस्टर कॉलिंग फ्रॉम द बार्ज। इसके बाद से जो होता है, बार्ज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो नाव होता है बड़ा सा, वहां से ये कॉल करती है ग्लोरिया हॉलिस्टर इन दोनों से बात करने के लिए। एट अबाउट 1400 फीट बीबी सा अ सोल ऑफ फिश ही हैड कॉट अर्लियर, क्या है, हैचेट फिश। इसके बाद से जब वो 1400 फीट नीचे जाते हैं तो बीबी एक क्या होता है, सोल ऑफ फिश यानी एक मछलियों का झुंड देखता है, जो कि वो पहले भी उन मछलियों को पकड़ चुका था, आप यहाँ पर देख सकते हो। देन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद क्या होता है, बार्टन लुक एट द फिश, इट्स टीथ आर लाइटन अप। इसके बाद से ये कहता है कि बार्टन देखो जो मछली की टीथ है वो क्या है, लाइट आ रही है उससे, एंड देयर आर अदर्स व लाइट्स अंडर देयर आइज, और उनकी आंख से भी एक तरह की लाइट आ रही है, ऐसा देखो। देन आफ्टर क्या होता है, एट 11:20 AM 11:20 पे क्या होता है, देयर इज द डेप्थ ऑफ द 3000 फिट। इसके बाद से क्या होता है, 11:20 यानी हो रहा था, बज रहा था घड़ी में, और वो लगभग 3000 फिट नीचे जा चुके थे। अब ग्लोरिया टोल्ड देम दैट अदर बिग वेव वॉज कमिंग देयर वे। और इसके बाद से ग्लोरिया कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में फिर से एक दूसरी वेव आ रही है, एंड सो दे वुड बी लेट डाउन अ लिटिल डीपर, सो उनको थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए, टू 3028 फीट, देयर वॉज ए वेरी लिटिल कैपेबल ऑफ लेफ्ट। इसके बाद वो कहती है केबल बहुत ही कम बचा है, सो देयर वॉज अ फ्यू 10 मिनट्स टिल द वेव पास्ट, और कुछ ही मिनट बाकी है कि जो वेव है वो आने ही वाली है। देन द बाथस्फियर वॉज ब्रॉट बैक अप, इसलिए जो बाथस्फियर होता है उनको फिर से ऊपर खींचा जाता है। द रिटर्न जर्नी टुक आउट अबाउट 2 आवर्स। इसके बाद लौटने में क्या लगा उनको, लगभग 2 घंटे लग गए थे। देन आफ्टर व्हाट अ प्रिविलेज इट वॉज फॉर अस टू सी ऑल दोज स्ट्रेंज थिंग्स, दे वर वेल वॉर्थ द रिस्क। इसके बाद से कहता है कि कितना अच्छा था, हम लोगों ने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी, काफ़ी अलग अलग अजीब अजीब की चीज़ें हम लोगों ने देखा, ये काफ़ी रिस्की भरा भी था। होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।